जहर को दूर करने की क्षमता। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो पॉइजनिंग हुई हो, किसी भी तरह से शरीर में कोई जहरीला द्रव्य चला गया हो, तो इसके द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। हालांकि हमने एक कहानी सुनी थी कि किसी के घर में बंदर आकर के बहुत उत्पात करते थे। बंदरों का स्वभाव ही होता है उत्पात करना। तो जिस क्षेत्र में वो नित्य प्रति यदि जाते हैं, हमने देखा बनारस आदि जगह पर जहाँ हम लोग ठहरते थे, तो बीच में जो बड़े बड़े पुराने विशाल पीपल के वृक्ष हैं कहीं कहीं, या दूसरे पेड़ हैं, तो वहाँ सुबह निश्चित समय पर वो पहुँचते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान होते थे। तो किसी ने सोचा कि इन बंदरों को हम ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने खीर पका करके खीर के अंदर कुछ जहर डाल दिया, उस विष को। फिर बंदर आए, बंदरों ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद में वो बंदर वहाँ से बिना उस खीर को खाए चले गए। उस आदमी ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अब ये लोग कैसे, इनको मैं ख़त्म कर पाऊँगा। तो वो देखता क्या है वह सज्जन कि आधा एक घंटे के बाद में सभी बंदर लौट के आए। लौट करके उन्होंने जितने भी खीर उसने रखी थी सारी खीर खा गए वो। उन्हें सोचा कि ये खीर खा गए तो ये तो अब मरेंगे। दूसरे दिन देखा वो सारे बंदर जो कि तुम उत्पात मचा रहे थे, उन्हें सोचा ये तो कमाल हो गया, ये कैसे जीवित रह गए। तो दूसरे दिन उसने फिर उसी तरह से विष डाल करके खीर को छत पर रख दिया। जब नियत समय पर बंदर आए, बंदर आकर के फिर उसी तरह से वो चले गए। तो उसने ये देखने का प्रयत्न किया कि वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि वो बंदर सब गुलर के पेड़ पे चढ़ गए और गुलर की पत्तियाँ और काफ़ी भरपूर जो गुलर के फल हैं उसको खा करके फिर वो लौट करके आए। फिर उन्होंने खीर को खाया। तो खीर के अंदर जो इतनी जो विष खीर के अंदर डाला गया था, उस विष के प्रभाव को भी इस गुलर ने समाप्त कर दिया। यह तो थी हमारी सुनी हुई कहानी। क्योंकि आयुर्वेद के संदर्भ में, आयुर्वेद के जड़ी बूटी के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यदि इसका जो ज्ञान है आज भी यदि हमारे पास सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से जो हमारे परंपरागत जो स्रोत हैं, जो बहुत सारे दर पीढ़ी या गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले भाई बहन, या जो परंपरागत रूप से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुलर के संदर्भ में भी इसी तरह से बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। जब तक आप आयुर्वेद को अपने आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, अपने जीवन का एक अंग नहीं बना लेते हैं, तब तक इसका जो ज्ञान है वो संपूर्णतया प्राप्त करना काफ़ी दुस्तर कार्य है। इस गुलर की इन पत्तियों के अंदर कितनी विषनाशक क्षमता है, कितना इसको जहर को दूर करने की क्षमता है, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो ये बिल्कुल निर्विषैली वस्तु है, परंतु यह विष को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जब संख्या जैसे विष को ये निष्प्रभावी कर सकता है, तो सामान्य विष के लिए जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं या शरीर के अंदर किसी भी तरह के रक्तगत दोष हैं, तो उनको दूर करने में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यह पौधा अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत यह गुणकारी है। इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। Thank you.